बरखा जी ने कहा बेटी बेटा एक समान सामान्य रूप से बात ठीक है लेकिन विशिष्ट रूप से ये बात ठीक तर्कपूर्ण नहीं है उतनी और सत्य भी नहीं है हमने इंडियन पेनल कोड में बेटी और बेटे के प्रति होने वाले अपराधों की सघनता में अंतर किया जान समझ बूझ किया लोकसभा ने राज्यसभा ने इस देश की लीडरशिप ने अपने विजडम का इस्तेमाल करके किया भाई क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए हमने एक पूरी विश्व भर के कानूनों को अध्ययन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार की है इसीलिए किए भाई वो लोग मूर्ख थे लोकसभा में राज्यसभा में जो लोग ये नियम बना के गए अवधेश जी की पार्टी भी होगी प्रियंका की पार्टी भी नहीं होगी सारे लोगों का योगदान रहा होगा हम डाउरी एक्ट लेके आए थे क्यों हमने महिलाओं के सम सुरक्षा के लिए विशेष उपबंध किए हैं और भारत ने नहीं दुनिया भर में ये उपबंध है इसलिए इनका सरलीकरण मत करिए और अवधेश भाई ए, एक बार दूसरे ऐसी तरह के विषय पर चर्चा हो रही थी लोगों ने हमसे कहा कि वो वहां फलाने जिले में चार केस फर्जी निकले मैंने कहा चार सौ निकले क्या फिर भी ये कानून नहीं हटने चाहिए ये कानून है तब तो ये अत्याचार हो जाता है और ये कानून भी हटा देंगे तब क्या होगा के सम्मान के साथ एक दूसरी बात आई जी ट्वेंटी की बात है दुनिया के तमाम देशों के लोग हमारे यहां हैं तो मैं कहूंगा कि ऐसी समझाइश ब्रजभूषण को भी दी जानी चाहिए थी कि हे प्रभु बाहुबली महाबली जी ट्वेंटी तक चुप रहो नहीं जी ऐसी समझाइश नहीं देनी चाहिए थी चाहिए टेलीफोन तो उनका खुला है बंद तो है नहीं ये नहीं चलेगा कि एक तरफ से गाली गलाउट जारी रहेगी और लड़कियों से हम कहेंगे धरना ना घर तो घर जाओ गर जाओ बोले पंद्रह बीस पच्चीस साल में सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा तब तक तुम लोग बूढ़े हो जाना तब देखेंगे कुछ होगा मत फैलाइए भाषा ठीक नहीं ये तरीका ठीक नहीं ये कैसे मांग कैसे बात हो सकती है और क्यों होनी चाहिए लड़कियां जी ट्वेंटी देखें ब्रजभूषण जी फायर राउंड खेले क्या हुआ कैसे हुआ कब कब हुआ गजब है कोई सांसद ये बोल सकता है अवधेश जी और वो अभद्र लोग जो ताली बजा रहे हंस रहे इनके चेले चिंटू अभी आपको मेरी बात शायद उतनी गंभीर ना लगे लेकिन एक बात जान लीजिए अगर ऐसे ही सारे ताकतवर लोग जिन पर ऐसे आक्षेप लगे वो ऐसे ही तंबू गाड़ कर ये सवाल करने लगे तो इस देश की स्थिति क्या बनेगी बताइए तब निकलना मुश्किल हो जाएगा लड़की के लिए क्यों क्योंकि निकलेगी तो उसके कान में माइक से पड़ेगा क्या हुआ कैसे हुआ कब कब हुआ तब क्या होगा मान लीजिए कोई आपके पड़ोस की लड़की ने आरोप लगाया आप तो अपने छत पे माइक लगा दोगे प्रदूषण जी की तरह क्या और रात दिन यही पूछोगे वो लड़की उसका परिवार जिएगा कि मरेगा बताइए ना क्या हुआ नहीं हुआ अदालत है ना और जो चीज सार्वजनिक तौर से वो जानना चाहते हैं वो मैं नहीं कहना चाहता समझ सब रहे हैं क्या अपने मुंह से बरखा त्रिहन सोशल एक्टिविस्ट है उनको इस बात की जानकारी होगी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ऐसी अभद्रताओं पर सख्त रोपाबंदी लगाई हुई है क्या वुमेनहुड को टारगेट करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते हम मीडिया पर भी पाबंदी है रेप विक्टिम है वो नहीं चाहे तो आप उसका नाम नहीं दे सकते उसका पता नहीं दे सकते उसकी फैमिली का ये प्रोटेक्शन कानून ने दिया है महिला को और भाई साहब क्या पूछ रहे हैं गोंडा में कैसे हुआ ये मारपीट का आरोप होता तब भी चलो पूछ लेते समझ में आता है ये आरोप पता है किस चीज का है सही है गलत है भगवान जाने लेकिन आरोप तो यौन शोषण का है ना यौन शोषण के आरोप में जब आप ये कहते तो कैसे हुआ इससे अभद्र कोई बात हो सकती है क्या कोई गलीज बात हो सकती है क्या कौन के फिल्म बनाना चाहते हो क्या मेरी रुचि इसमें नहीं कि भाजपा का क्या होगा कांग्रेस का क्या होगा सपा का क्या होगा बसपा का क्या होगा नहीं और ब्रजभूषण का व्यवहार और ब्रजभूषण पर लगे आरोप भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर नहीं लगे न भाजपा के सांसद के नाते लगे ये किसी पार्टी के सांसद होते तब भी आरोप लगते हैं ना इन पर कुश्ती इन पर आरोप लगे हैं कुश्ती महासंघ के नाते इसलिए इसमें भाजपा कांग्रेस का लफड़ा ही नहीं और हिम्मत देखिए जब आ, आप मंच पर ये पूछ सकते हैं अवधेश बाबू दिल पे हाथ रख के सोचेगा तो बंद कमरे में तो आप कुछ भी पूछ लेते होंगे नहीं जो आदमी मंच पर ये पूछ लेता है जी वो बंद कमरे में क्या क्या पूछ लेता होगा इसका अंदाज है ना आपको है मुझे एक आदमी नहीं मिला सुबह से जिसने कहा हो कि अग्नोत्री जी नहीं मैं ऐसा उदाहरण देता हूं पहले भी लोगों ने ऐसा पूछा है नहीं तमाम राजनेताओं पर व्यवचार के आरोप लगे एवं शोषण के आरोप लगे कांडा पर लगा था सब बहुत लोग बहुत प्रदूषण से बड़े भी और छोटे भी लेकिन ऐसा किसी ने नहीं, नहीं पूछा ना, कभी नहीं पूछा मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप उतने बड़े कथ की बच्चियों से पूछ रहे हैं जिन्होंने भारत की माता के लिए मेडल लेके आई वो बच्चियां सामान्य परिवार की बेटियां भी होती तब भी मैं यही कहता मेरे लिए बेटी बेटी है वो मेडल लाई नहीं लाई अलग चीज है ये छूट किसी को और राजनेताओं को और ज्यादा संयमित होना चाहिए और ज्यादा मर्यादित होना चाहिए आप सामान्य नहीं है पंद्रह सोलह लाख की कॉन्स्टिट्युंसी में लोग वोट करके आपको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं आप मंथरा बोल रहे हो उसको महिला खिलाड़ी को क्या कर रहे हो आपके चेहरे पर कोई शिकन ही नहीं आप ऐसा पोस्टर दे रहे हो कि कानून मेरी जेब में सिस्टम मेरी जेब में क्या नहीं तो इस गलत फहमी को भी निकाल दीजिए गायत्री प्रजापति को भी यही लगता था कि सिस्टम मेरी जेब में उनके खिलाफ भी मुकदमा प्रियंका जी सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर हो पाया था ठीक राज्य सरकार ने मुकदमा नहीं लिखा था और जब से मुकदमा लिखा गया तब से फिर बाहर नहीं आया अभी तक कितने साल हो गए याद भी नहीं है ना उनके पास भी बहुत माल मत्ता था वो भी सोचता सब दुनिया मेरी जेब में है वक्त किसी की जेब में नहीं होता दोस्त वक्त की जेब में सब है इसलिए मैं कहता हूं वक्त से डरिए कोई किसी पार्टी का हो पहलवान हो गैर पहलवान हो भाजपा का हो कांग्रेस का हो सोशल एक एक्टिविस्ट हो नॉन एक्टिविस्ट हो मैं उससे किसी व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हो सकता जो इशारे से भी चिमटे से भी ब्रजभूषण के इस वक्तव्य के समर्थन की कोशिश करे मैं उससे बिल्कुल विरुद्ध खड़ा हूं मेरा स्टैंड बिल्कुल साफ इस तरह के आरोप में फंसे लोगों को ढंग की अश्लील टिप्पणियां करने का अधिकार नहीं होना चाहिए इतना गंदा प्रेसिडेंट सेट हुआ है इस बार इस घटना से यह घटना यह प्रेसिडेंट जगह जगह अगर दोहराया गया ना तो रोकना मुश्किल हो जाएगा यह ध्यान रखिए बाकी तो सब चलता रहेगा सामान्य व्यक्ति मर्यादा की रेखा लांघे। तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल भी सकता है अवधेश जी राजनेताओं को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए संदेह का लाभ आप विशिष्ट हैं इसलिए आप पर ज्यादा मर्यादा लागू होनी चाहिए और वही नियम ब्रेजभूषण चंद्र सिंह पर लागू होना चाहिए धन्यवाद